नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं जयपुर घराने की जानी मानी कथक नृत्यांगना समीक्षा जी से। कल हमने उनसे बातचीत की थी, कुछ उनके उज्बेकिस्तान के किस्से सुने थे, कुछ उनके गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी के बारे में बातचीत की थी। आज बातचीत करते हैं उनके नृत्य के सफर के कुछ और अहम पड़ाव पर। समीक्षा जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब आप कोई कोई भी रचना उठाती हैं, उसको पिक करती हैं और कंसीव करके प्लान करती हैं कि इस पर मुझे नृत्य करना है, ये मैं सवाल लगभग हर कलाकार से पूछता हूँ डांस के, कि उसका जो साहित्य है उसको पिक करते वक्त किन बातों का ध्यान रखती हैं आप लोग? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दो तरह से हम किसी साहित्य को पिक करते हैं अपना डांस परफॉर्म करने के लिए। एक तो कि आपको सब्जेक्ट दे दिया गया है, जैसे आजकल मैं कथा केंद्र में काम कर रही हूँ तो हमें विषय दे दिया जाता है कि भाई राष्ट्रभक्ति पे कुछ कीजिए, देशभक्ति पे कुछ कीजिए, तो कुछ संरचना या रामायण से रिलेटेड कुछ कीजिए। एक होता है कि आपको कोई विषय नहीं दिया गया है और आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद को प्रेजेंट करना है खूबसूरत तरीके से। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप अपने अंदर से सोचे कि आपको क्या आप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कला सिर्फ आपके मनोभावों की अभिव्यक्ति है, खूबसूरत अभिव्यक्ति है। और उस भावों तक पहुंचना, मतलब वो एक क्लिक पॉइंट करता है, मतलब आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं, 4-5 दिन सोचते हैं, फिर कोई एक विचार आपको क्लिक कर देता है कि हाँ बस ये ठीक है। जैसे मैं बताना चाहूंगी, पंचानना जब मैंने बनाया, शिव के 5 मुखों के ऊपर वो बनाया, तो बहुत मुझे IIC का फॉर्चुनेट थी, बहुत खुशकिस्मत थी कि IIC से मेरे पास ऑफर आई कि आपको एक अपनी प्रस्तुति करनी है। तब मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसा करूं कथक में जो परंपरागत हो, जो ट्रेडिशन हो और जिसमें कुछ भी कंटेम्प्रेरी या उस तरह का ना हो, पर कुछ अलग हो। तो कुछ अलग क्या हो सकता है, ये बहुत दिनों तक विचार चलता रहा। तो मन से अचानक से ख्याल आया कि यार वो शिव के 5 मुख अलग अलग हैं, तो उन्हें क्यों ना 5 अलग अलग रागों में, अलग अलग तालों में और अलग अलग उसके मूवमेंट्स को लेकर, ट्रेडिशनल वे ही होगा कथक की प्रस्तुति का, लेकिन अलग अलग उसके हर मुख को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए, 5ों एक ही प्रस्तुति में बनाकर एक सोलो डांस कोरियोग्राफी की तरह। तो फिर गुरु जी से बात की, गुरु जी ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो उसको किया तो तब महसूस हुआ कि हमने जो चीज मैं सोच रही थी वो हुई। अब पहले सोच लिया, विचार आ गया, अब उसका साहित्य कहाँ से लेंगे, तो फिर हमने कई सारी चीजें श्लोक से ली, शिव पुराण से लिए कुछ श्लोक, कुछ राग किस मूड को दिखाएंगे, जैसे वामदेव मुख है वो पार्वती और शिव दोनों साथ में होते हैं, तो फिर गुरु जी ने कहा यहाँ पर बसंत ताल हो, राग भी बसंत है क्योंकि मेल फीमेल साथ हो रहे हैं। तो इस तरह से करते करते उस कोरियोग्राफी को किया। और इसके अलावा जब कभी मैं कोई साहित्य ढूंढती हूँ तो मैं बहुत पढ़ती हूँ, अब मैं पता ही होगा शायद में बहुत, मेरी अभी भी लाइब्रेरी किताब भरी पड़ी है, तो कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ती रहती हूँ। तो पढ़ने से क्या होता है ना, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं और जब भी आप एक कोई विशेष विचार आप चुनते हो तो आपको तुरंत याद आ जाता है, अरे ये तो हमें वहां से ले लेना चाहिए, ये तो हमें वहां से ले लेना चाहिए। तो बस इसी तरह मैं चुनती हूँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर और कोई मेरा माध्यम नहीं है कि मैं स्पेशल किसी ओकेजन के लिए चूज करूँ, वो निरंतर चलता रहता है, फिर जब जैसा मौका पड़ता है वहीं से वो अंदर से कहीं से कुछ चीज क्लिक हो जाती है और चीज हो जाती है। मैं कह सकता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी उस कार्यक्रम को देखा था और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसकी कोई झलक भी हमें दिखाइए, क्योंकि जैसे आपने बताया शिव के 5 मुख, अगर आप हमें हमारे श्रोताओं को कुछ उसकी झलकियां दिखा सकें तो। हाँ बिल्कुल, शिव के 5 मुखों में ना सबसे ज्यादा जो मेरा मुख पसंद किया गया था ऑडियंस के द्वारा वो अघोर मुख था, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे पहले अघोर मुख को कथक में किसी और ने कंपोज करके किया हो, और गुरु जी ने उसको इतना सुंदर, चौताल का एक ध्रुपद है कि शंकर अति प्रचंड, इसमें उसको कोरियोग्राफ किया था और सारे अघोर के मूवमेंट, क्योंकि अघोर मुख जो है वो कुछ भी निषेध नहीं है उसमें, आप दुनिया में जितनी भी बुरी चीजें हैं अघोर मुख उस चीज को सपोर्ट करता है कि दुनिया में जितना भी कुछ बुरा है, जितना भी कुछ डिस्गस्टिंग है, जैसे कहते हैं ना घृणित है, वो सब कुछ उसमें समाहित है। तो वो नर के मांस को भी खाता है, मतलब एक कंकाल पड़ा हुआ है उसको उसको भी कट करके वो किस तरह से रक्तपान करता है, तो उस तरह की सारी चीजें उसमें मैंने दिखाई थी, सारे मूवमेंट्स, सारे हस्तक्षेप और सब कुछ कथक के दायरे में था, तो वो जरूर हम दिखाना चाहेंगे। Stop!
तो मैंने तो ये लाइव देखा था, अभी हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी देख लिया। समीक्षा जी, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, एक नृत्य के अलग अलग भाव होते हैं। जैसे कुमार गंधर्व जी कहते थे कि एक राग देखने के कई चार चार तरफ से अगर एक राग को देखिए तो अलग अलग दिखाई देता है, वैसे नृत्य के भी अलग अलग आयाम होते हैं। अब आप जितने वर्षों से नृत्य कर रही हैं, कथक से जितने वर्षों से आपका जुड़ाव है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि वो कौन सा पक्ष है आपके नृत्य का जिस पर आपने अतिरिक्त काम किया है, जिस पर आपने एक्स्ट्रा मेहनत की है, या कह लें कि वो ज्यादा पसंद है, या वो ऐसा हुआ हो कि लगता है नहीं ये तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, कौन सा पक्ष है जिसको आप इस तरह से परिभाषित करेंगी? देखो, कथक का बेसिकली दो पक्ष होते हैं, तकनीकी और भाव। आप दो तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो मुझे एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी छोटा सा। मिनिस्ट्री स्कॉलरशिप के ना गुरुजी का एक लेटर चाहिए रहता है हम लोगों को, जब मैं बात स्टूडेंट लाइफ की बात बता रही हूँ। तो गुरुजी ने वो मेरा जो रिकमेंडेशन लेटर हुआ था ना, उसमें लिख दिया कि हाँ, इनको ये इस योग्य है कि इसमें भाग ले सके और ये प्रतियोगिता दे सके और ये स्कॉलरशिप ले सके। इनका भाव पक्ष बहुत अच्छा है, एक लाइन, इनका तकनीकी पक्ष अच्छा है और इनका सब कुछ अच्छा है। मतलब इस तरह से कुछ गुरुजी ने लिखा, तो वो मेरे लिए इतना प्रेरणादायक रहा। मतलब मैं अभी तक वो लेटर संभाल के रखती हूँ, वो रिकमेंडेशन लेटर। तब मुझे लगा कि शायद वास्तव में ईश्वर ने मुझे सभी कुछ थोड़ा थोड़ा देकर भेजा है। मतलब मैं कहूँगी तो हस्तक बहुत नेचुरली, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छे थे, मुझे खुद अपने हस्तक पसंद थे, भाव भी नेचुरली, मतलब मैं जो करना चाहती थी वो हो जाता था। टेक्निकली चीजें भी, मतलब अगर मुझे चक्कर लेने तो हो जाते थे, और फिर रियाज तो अपन करते ही है। लेकिन फिर उसके बाद मैं डिटेल में किस चीज में जाऊँ, तो मुझे लगता है मैंने कथक की एक सौंदर्य चीज जो होती है, एस्थेटिक होता है, मतलब वो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं, चाहे वो कथक के भाव पक्ष पे हो चाहे टेक्निक पे। मतलब अगर आप भाव कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली मैंने गजेंद्र मोक्ष कथक में किया था, कथक केंद्र की एक प्रस्तुति में। तो उस कथा को कथक के माध्यम से कितनी खूबसूरती के साथ आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें एड ऑन करनी है। उस सौंदर्य को निकालने के लिए आपको आपकी तकनीक पे भी ध्यान देना है, आपको लय पे भी ध्यान देना है, आपको भाव पर भी ध्यान देना है, आपको मूवमेंट पे भी ध्यान देना है, आपको कॉस्ट्यूम पे भी, मेकअप पे भी। तो मुझे लगता है कि गुरुजी का वो एक सेंटेंस किसका सब कुछ अच्छा है, तो मैंने सभी कुछ को लेकर एक सौंदर्य की एक अलग से जो मुझे अनुभूति होती है वो मैं दर्शकों तक किस तरह पहुंचाऊं, उसके लिए मेरा प्रयास सबसे ज्यादा रहा। तो उसके लिए चाहे मुझे लगता है कि कोई प्रस्तुति में अपनी कोई पुरानी वीडियो देखती हूँ कि इसमें चक्कर कुछ कमजोर हो रहे हैं, तो मैं फिर चक्करों पर और काम करूंगी, या मुझे लगता है इसमें मैं ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे देखने में शायद ये आंख का ये आईब्रो कम उठ रहा है, तो मैं फिर उस पर काम करने लग जाऊंगी, या मुझे लगेगा कि इस वाली प्रस्तुति में मेरा भाव पक्ष में कुछ कमी रह गई, तो मुझे लगता है कि सब कुछ एक ओवरऑल सौंदर्य पक्ष कथक को देखकर ऐसा लगे कि हाँ ये कथक है, चाहे वो टेक्निकली कुछ किया गया हो, चाहे वो साहित्य लेकर उसमें कुछ किया गया हो, चाहे वो भाव से किया गया हो, तो पूरे ओवरऑल एक सौंदर्यता पर मेरा काम बहुत अधिक मैंने करने की कोशिश की। और पिछली कुछ प्रस्तुतियों में बहुत आशीर्वाद है गुरुजनों का कि मुझे वो चीज सुनने को ऑडियंस से भी मिली, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि जो इतने सालों का मेरा प्रयास था तो मुझे लोगों के कमेंट्स भी वैसे मिले, आपका तो सब कुछ अच्छा है, तो ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है मुझ पर कि मैंने उस चीज पर काम किया, और आगे भी मैं भविष्य में उन्हीं चीजों पर, मतलब जो अभी तक मेरा प्रयास रहा है, मैं काम करते रहना चाहूंगी। अगर 20-30 सेकंड में कोई भाव पक्ष आपको दिखाना हो तो कुछ आप दिखा सकती हैं मेरी बताते हुए कि आप ताकि एक लेमैन के तौर पर, आपने कहा भाव पक्ष, अब मैं तो मान लीजिए कहूंगा मैं समझना चाहता हूं, तो आप समझा सकती हैं हमें भाव पक्ष? अगर आप समझना चाहते हैं तो हाँ मैं समझा सकती हूँ, क्यों नहीं। जैसे कि अब यही आप देख लीजिए, सुंदर बदन सुख सदन शाम। तो अब सुंदर बदन, अब अंतर्मुखी नायिका है, वो नायक को देख भी रही है और नहीं भी देख रही, तो उसको वो कैसे करेगी? सुख सदन शाम को सुंदर बदन। अच्छा, अब हम एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे शास्त्रीय संगीत में अलग अलग घराने हैं, वैसे ही नृत्य में भी हैं। जयपुर घराना है, लखनऊ का घराना है, और भी घराने हैं।
आप लोग अब जो अभी यंग जनरेशन ही कहना चाहिए आप लोग को, आप लोग की जो पीढ़ी के कलाकार हैं, आप लोग जब चीजें पिक करते हैं, कोई कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज गढ़ते हैं, कोई चीज रचते हैं, तो क्या हमेशा दिमाग में किस तरह से रहता है, कोई कोई बंदिश रहती है क्या कि नहीं हम जयपुर घराने के हैं तो हम जयपुर घराने के पैरामीटर्स या जो उसके नियम है उसके दायरे में रहकर ही सोचेंगे, या लगता है कि नहीं ऐसा कोई दायरा नहीं है, हमें अगर कोई चीज अच्छी लखनऊ घराने से उठानी है तो हम वहां से भी उठा लेंगे। क्या ये आजादी आपने कलाकार के तौर पर ली है और क्या ये आजादी आप जिन लोगों को सिखाती हैं उनको देती हैं? इसको मुझे लगता है हमें आजादी नहीं कहना चाहिए, मतलब ये आजादी तो हमें हमारा स्टाइल खुद ही दे देता है। जैसे मैंने अभी कथा केंद्र में मैं 5 साल से हूँ, 6 साल हो गए मुझे, तो जितनी भी मैंने कोरियोग्राफी की है तो मुझे तो बहुत आजादी मिली, मतलब मेरे जयपुर घराने की जितनी बंदिशें हैं उनको ही कर करके मैं बहुत सारा चीजें सब कुछ क्रिएट कर ली, तो वो कमी कहीं नहीं लगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप जयपुर घराने से हैं, अगर घराना परंपरा है और आप उसमें हैं तो उसका पालन करना चाहिए, उसको ब्रेक करना आजादी नहीं है। आजादी ये इतना संकुचित नहीं होना चाहिए कि आपको वास्तव में अगर किसी बंदिश की जरूरत है तो आप उसे ना लें, पर अगर क्योंकि कथक तो कथक ही है ना, चाहे जयपुर का हो चाहे लखनऊ का हो, जो बंदिशें हम जयपुर में करते हैं वही लखनऊ में भी की जाती है, कई सारी बंदिशें ऐसी भी है, एक स्टाइल का फर्क पड़ता है। तो अगर वो स्टाइल आप वही रख लेते हैं, है ना, मतलब आपने स्टाइल स्ट्रांगली आपने जयपुर घराने का, तो आपने जयपुर घराने का स्टाइल को पिक कर लिया, और फिर आप कोई भी बंदिश अगर ले रहे हैं लखनऊ घराने की भी, तो मुझे लगता है वो मिसमैच हो जाता है थोड़ा सा, मतलब उसको आप मर्ज करना, आप कैसे मर्ज करेंगे, क्यों उसकी आवश्यकता है। तो आजादी मतलब हाँ, अगर कोई स्टूडेंट अगर सीखना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हमें ये चीज अच्छी लग रही है तो कर सकते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है शुद्धता भंग होती है, मतलब वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नहीं वो पैरामीटर ठीक नहीं है। आपको अपने ही जो आपको एक स्टाइल दिया है, क्योंकि इतने सालों तक एक स्टाइल को ही साधने में इतना टाइम लग जाता है, आप दूसरा स्टाइल को सिर्फ कॉपी तो नहीं कर सकते ना, मतलब किसी भी चीज को सिर्फ कॉपी करके तो नहीं किया जा सकता, उसको साधना पड़ता है। लखनऊ का भी जो स्टाइल है या बनारस का भी जो स्टाइल है, वो बहुत सालों तक बहुत वर्षों तक आपने को करना पड़ता है। सिर्फ बंदिशें लेने की बात है तो हर कोई के पास फ्रीडम है, कोई भी बंदिशें लेकर अपने स्टाइल में कैसे भी नाच सकता है, पर वो मतलब उसके साथ इंसाफ नहीं होगा उस बंदिश के साथ, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, पर्टिकुलर स्टाइल है, उसमें तो आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्टाइल में कर रहे हैं। ऐसे तो बंदिशों की कमी नहीं है, आप कहीं से भी कोई और भी बंदिशें ले सकते हैं, ताल प्रकाश है, कितनी सारी किताबें हैं, कितना सारा कुछ है जहाँ पे आपको कथक का टेक्स्ट कथक की बंदिशें मिल सकती है। तो सिर्फ घरानों की आदान प्रदान बंदिशों का मेरी नजर में तो ठीक नहीं है। छोटे छोटे सवाल और समीक्षा जी इंटरव्यू खत्म करने से पहले, एक तो ये कि पंडित राजेंद्र गंगानी जी गुरु के तौर पर तारीफ करते हैं या बहुत कंजूस किस्म के आदमी हैं, कैसे कैसे गुरु के तौर पर देखती हैं? आते हैं प्रोग्राम देख के पीठ फीट थपथपाते हैं या बिल्कुल जैसे कुछ बहुत ही कड़क टाइप के गुरु जी लोग होते हैं कि हाँ आज ठीक किया तुमने, इतना कह के बस चले जाते हैं? मैं बताऊं ना कि गुरु जी सच में गुरु हैं, वो वास्तव में उनके अंदर गुरुत्व है, वो कुछ कहते ही नहीं है। कितना भी अच्छा कर लो कितना भी बुरा कर लो, वो कुछ कहते ही नहीं है, बस उनकी नजर में हमेशा एक करुणा जिसे कहते हैं ना, वो हमेशा रहे, बस आगे बढ़ो करते जाओ, ये हो गया ना खत्म, इसका वीडियो भी मत देखो तुम तुमने जो कर लिया उसको सोचो भी मत कि तुमने कर लिया, आगे बढ़ो आगे करो, नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, अब क्या कर रहा है। तो मुझे नहीं याद आता कि कभी भी किसी भी परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने कहा हो कि हाँ बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। मुझे याद है कि बहुत कई बार होता है ऊपर नीचे, बहुत खराब भी प्रस्तुतियां रही और गुरु जी उसमें उपस्थित थे, तो भी नहीं कुछ कोई बात नहीं आगे बढ़ो, बहुत अच्छा भी कभी हो गया तो भी कोई बात नहीं आगे बढ़ो। तो उनकी दृष्टि हमेशा इस बात पे रहती है कि ये रुक ना जाए, ये कहीं यही ठहर ना जाए, उनकी कला का जो सफर वो तय करवाना चाहते हैं हमारे माध्यम से वो कहीं रुक ना जाए, ये उनका मेन उद्देश्य होता है हमेशा। संस्कृत के श्लोक जैसी बात हो गई कि सूरज उगते समय और डूबते समय दोनों ही समय एक ही रंग का होता है। खैर आखिरी सवाल समीक्षा जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट है आपके लिए, या कहते हैं कि जिंदगी का जो चक्र है उसको कैसे देखनी है कि जिस कथक केंद्र में आप अब से कई बरस पहले आई, छात्र के तौर पर जुड़ी, आपने वहां सीखा, अब वहीं पर उसी इंस्टीट्यूट में जाकर सिखाना निश्चित तौर पर एक प्राउड मोमेंट होता होगा। हर रोज जब कथक केंद्र के प्रांगण में घुसते होंगे तो अपने साल जरूर याद आते होंगे
और वो एक एक अंदर से भाव आता होगा कि हाँ कुछ तो सही रास्ता चुना होगा जो यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत मैं तो इसे गुरुजनों का आशीर्वाद ही मानती हूँ और ईश्वर की परम कृपा मेरे ऊपर है कि इतने सारे गुरुजी के शागिर्द हैं, सब बहुत बहुत आप लोगों को पता है विस्तृत है ये तो पूरा, और मुझे ईश्वर ने चुना उस रास्ते के लिए, तो बहुत ही मैं उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मैं जब भी रोज जाती हूँ वहां पे नटराज की मूर्ति, उसको जब भी प्रणाम करती हूँ मुझे लगता है कि मुझे एक शिष्य ही बनाए रखना। मैं इस सांगड़ में कभी भी मेरे मन में ये ना आए कि मैं बस अब तो हो गया सफर, तो अभी तो शुरुआत हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि सिखाना भले ही मैंने शुरू कर दिया, पर मुझे लगता है मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है कि मेरा क्लास है, मेरे 10 क्लास के ऊपर गुरु जी का क्लास, तो मेरा आधा ध्यान अपने क्लास में रहता है और आधा ध्यान के ऊपर गुरु जी है। मैं कभी भी कुछ भी सीखना है, कभी भी कुछ करना है, तो उनके पास जाकर हमेशा ही सीख सकती हूँ। मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात है, ब्लेसिंग्स है कि वो है ऊपर, तो वास्तव में बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। और मैंने कह ही दिया कि शब्द नहीं है मेरे पास, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर हाँ ये जरूर है कि मैंने कभी कुछ और करना मंजूर नहीं किया। ये भी एक बात मैं कहना चाहूंगी आपको, जब आप पास आउट होते हो तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि किसी स्कूल में जॉब कर ले या किसी डांस कंपनी को ज्वाइन कर ले। मेरा हमेशा से था कि मुझे कुछ अपना ही करना है। अब जैसा मैंने कहा ना, अपने डांस के सौंदर्य को बढ़ाते जाना है, उसी दिशा में मैंने हमेशा प्रयास किया। पास आउट होते मैं ग्वालियर चली गई, वहां पर रही 4-5 साल, फिर उज्बेकिस्तान चली गई। वहां से जब लौटी तब भी बहुत मुश्किल भरा टाइम था कि अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स के ऑफर्स थे कि कहीं स्कूल में जॉब करने पर, नहीं मैंने वो स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा नहीं, जब इतनी मेहनत की है तो फिर आगे ही बढ़ो। फिर छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला, शुरू की, वहां से शुरुआत की। तब शिवन तभी आपसे मुलाकात हुई उन्हीं दिनों में, और फिर करते गए फिर कथा केंद्र का ये इंटरव्यू निकला और इंटरव्यू दिया और ईश्वर ने उसे सफल किया। आपने सही बात कही कि शिष्य ही बने रहे, और राजेंद्र जी की सहजता के बारे में तो हमने इंटरव्यू में जिक्र किया ही, लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः इंटरव्यू खत्म करते समय मैं बताना चाहूंगा कि कथक का एक और बड़ा पर्याय यानी पंडित बिरजू महाराज जैसे कलाकार भी ये कहते हैं, अभी तक कहते हैं, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो ताउम्र एक शिष्य बनकर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो किसी चीज को सीखते हैं तभी तो वो सिखाते हैं। तो वो जो एक शिष्य बने रहने का महत्व है, जो उसका सुख है, वो आप में बना रहे, वो आप में कायम रहे। आप ऐसे ही कथक की जो जड़ें हैं उसको और मजबूत करें, खुद बहुत अच्छा डांस करें, बहुत अच्छा नृत्य करें और अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। बीच बीच में समय मिले तो हमारे साथ इंटरव्यू में बातचीत भी करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र, आपको भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।